1/5 को तारीख साज कॉल मौसूल हुई जो अपनी मिसाल आप थी। नन्नी गुड़िया ने 1/5 कॉल की और अपने वालदैन के न होने का भी जिक्र किया। पुलिस अहलकार को गुलिस्ताने जौहर राबिया सिटी का पता भी समझाया। इसी असना में नन्ने अगवाकार ने पुलिस से बातचीत की और करख लहजे में घर आने को कहा। क्या किया आपको, किसने किडनैप किया है? यहाँ पर ना मैं अपने घर पे थी, लेकिन क्या हुआ कि ना मेरे अम्मी अब्बू को तो कहीं ले गए हैं, मैं घर पे अकेली हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को फोन किया, उनने बोला है कि आज ही वो लोग मुझे भी कहीं लेके जा रहे। कौन लेके जा रहे हैं? यहाँ पर कौन थे पता नहीं सर। और वो बोल रहे कि हम लोग तुम लोगों को कब्रिस्तान लेके जा रहे, और यहाँ पर ना मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। अच्छा, एक का नाम है मोहम्मद सुफियान और एक का नाम है अहमद। ओए हेलो, कौन बोला? सारे पुलिस वाला है ना, तो जल्दी आ यहाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं यार। अबे कौन छोटा सा बच्चा है सारे? मेरा नाम है अलीन और मैंने 10 बच्चे को किडनैप किया। अगर तू जल्दी नहीं आया बेटा, उन बच्चों को यहीं पर मार दूंगा। अबे तू है कौन? अबे भाई मैंने बच्चे को पकड़ा हुआ है, अभी बच्ची ने तुझे फोन किया था ना। अबे तो तू भी तो बच्चे ही लग रहा है मुझे। अबे भाई मैं किडनैपर हूँ, तू तो मेरा वैसे ही खून चूस रहा है। बेटा आपने 1/5 कॉल क्यों किया, आप ये बताएं। अबे भाई मैंने इसलिए किया है ताकि तू इधर आ। अबे मैं तुझे देखना चाहता हूँ साले। बेटा आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता भी है? किससे? आपने 1/5 कॉल की है, आप हमें बताएं आप है कौन, आपने 1/5 क्यों, आपने किसको किडनैप किया हुआ है? मैंने 10 बच्चों को किडनैप किया है। 10 बच्चों को? तो आप आप खुद बच्चे हो बेटा, आपको कैसे कर सकते हो किडनैप? मैं बच्चा रखता हूँ। अबे भाई इंसानियत कर अंदर। अबे साले यार बेटा चलो हम आपके पास आ रहे हैं, आपका फ्लैट नंबर क्या है बताना जरा। क्या बच्चे को फ्लैट नंबर नहीं बता, बच्चे अलग से जो फ्लैट नंबर बता रही है साले। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, कान खोल के सुन ले बुड्ढे। चलो हम आपके पास 5 मिनट में आपके पास पहुँच रहे बेटा, ठीक है। ये कॉल बजाहिर चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रही है, मगर वालदैन के लिए सोचने का बायस है। बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें ताकि कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। नुमान कियानी, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।